भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पुर वालों पिछले दिन मानसा पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए नशा विरोधी टीम के मैंबर परमिंदर झोटा की रिहाई की मांग की जा रही है। तस्वीरों के देख सकते बड़ी गिनती के भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पुर के झंडे के थले जिहड़े किसान आ एस एस पी दफ्तर मानसा वालों कूच कर रहे हैं। किसानों की मंग आ गई भी परमिंदर झोटे जिहड़ा वो गिरफ्तार किया मानसा पुलिस वालों रिहा किया जाए। जथेबंदियां सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल साढ़े नाल ने। प्रधान जी, मानसा पुलिस वालों नशा विरोधी टीम के मैंबर गिरफ्तार किया गया, की कहोगे? देखो, जिहड़ा सरकार की एक करतूत है, आपकी गल कही गल तो सरकार बहुत दूर चली गई। सरकार चोणों तो पहला तुसी देखिया होएगा बहुत सारिया वीडियो पईयां ने जिथे साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री जी ये कह रहे ने कि जी असी जिहड़ा नशा है दूजियां सरकारां दे उत्ते दोष लाउंदे रहे ने कि ये नशा गलत दोष दिता जा रहा है कि ये पाकिस्तान तो आउंदा है, फैक्ट्रियां इत्थे लगियां होईयां ने और वो फैक्ट्रियां जिन्हां दा इन्हां नूं पता है वो फैक्ट्रियां नूं अज बंद करवाउणा घट्टो घट्ट उन्हां दा फर्ज बनदा सी। अगर वो उन्हां फैक्ट्रियां तो बिल्कुल किनारा करके तो नशा सगों आपां देख ही रहे हैं, आए दिन नशा वध रहा है। नशा इन्नी वड्डी मात्रा दे विच लोकां नूं डेली आपां देख रहे हैं, 5-7 नौजवान 10 तक नौजवानों की डैथ हो रही है। अगर ये कुछ हो रहा है तो बड़ी माड़ी गल है और ये सरकार चाहिए है जिहड़े अज काम होया जिहदी खातर लोगों ने अज इकट्ठ करना पै रहा है, ये गल कुछ भी नहीं सी। इहदी खातर सरकार की जिम्मेवारी बनती सी नशा रोकना, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती सी नशा रोकना और प्रशासन ने नशा रोकने की बजाय जेकर नशा तस्करां की पुष्टपनाई करन लगे, अगर उन्हां दी राखी करन लगे तो मैनूं लगता बड़ी माड़ी गल है। मेरी बहुत बारी अधिकारियों ने गल्लां हुंदियां ने इस विषय के उत्ते और अक्सर ये गल आउंदी है कि जी ये वसों बाहर है तो जे किसी ने इस चीज़ नूं इस सप्प नूं हत्थ पाया है आपकी जान तो बेपरवाह होकर आपके बच्चों दियां जानां की बेपरवाही करके तो अज अजिहे नौजवानों नूं थाणियां च बंद करना और फिर यदा मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि असी मतलब नशा वेचण वाले नशा तस्करां दी सरकार पुष्टपनाई कर रही है, उन्हां दी मदद कर रही है और इन्हां नौजवानों नूं तुरंत रिहा करना बनता, रिहा करे और असी इहदे समर्थन दे विच हर वक्त मतलब खड़े हाँ। सरकारां नशा रोकण दे विच नाकामयाब रही है, इस करके नौजवानों जिहड़ी वांगडोर अपने हत्थ विच लैणी पई आ। नहीं, सुभाविक है, सुभाविक है। देखो, एक नूं नहीं है, बहुत सीनियर अधिकारियों नूं सरकार दे टेबल ते सरकार नशा जदों मीटिंगां होंदियां साडियां अफसरां नाल मीटिंगां होंदियां और ये गल असी बार बार दोहरा रहे हैं, नहीं कार्रवाई हो रही, सरकार हथ खड़े करदी नज़र आ रही है कि जी साढ़े वसों बाहर है गल ये, तो जे सरकार दे वसों बाहर है तो फिर जे नौजवान सपोर्ट अक्सर अफसर की कहते होंगे साड़ी मदद करो जी, साड़ी सपोर्ट करो, असी तैयार बैठे हैं कार्रवाई करने लई इन्हां लोकां दे। हुण जेकर अज कोई इन्हां दी मदद दे लई अगे आया है तो उन्हूं चक के जेल दे विच बंद कर देना यह मैं लगता उचित गल नहीं है। बाकी जिहड़ियां गल्लां करदे ने हैरानी वाली गल है, ये कहिंदे ने भी उन्हें छित्रां दा हार गल च पाता। हुण मैं एक गल पुछदा, साडे माणयोग एस एस पी साहब ने DGP साहब है कि तुहाडी पुलिस जिन्ना काम करती है सारा कायदे कानून के बच रह के करती है, कि पुलिस नू राइट दिता तुसी भी पुलिस जी नू मर्जी गालां कढ ले, कि पुलिस नू राइट दिता कि जिहड़ी मर्जी औरत नू एक मर्द सिपाही उहदे थप्पड़ मार दे, ये राइट दिता उन्होंने उत्ते? उन्होंने खिलाफ़ की कार्रवाई है? तुसी ये गल कह के सार दिंदे हो ओ जी लैण हाजिर करता, लैण हाजिर करते दी की सज़ा है जी? ये उन्होंने क्यों नहीं परचा दर्ज होंदा कि तुसी निजम तोड़िया, तुसी असूल तोड़िया? मोड़ मंडी च एक होर परचा जिहड़ा अज जिहड़ा झोटे दे उत्ते दर्ज कर दिता गया, उहदे बारे की कहोगे तुसी? देखो, मैं बेनती करा सरकारां दी इस लड़ाई दे विच जिहड़े बंदे कुदणगे, जिहड़े मैदान च उतरणगे, उहनां नूं इह सजावां
मिलनगियां भुगतनियां पैणगियां। आपां बहुत लंबे समय तो देख रहे हैं, एक बार ही नहीं होया, जिहड़े लोगों ने पहला भी लड़ाइया लड़िया उन्होंने लोगों को भी काले पानी दी सजावां मिली है ना। तो सरकार दे गलत निजाम दे खिलाफ जो लोगों की आवाज़ उठेगी सुभाविक है कि उन्होंने उत्ते परचे दर्ज होणगे। पर परचियां तो डरना नहीं चाहिए, करन दिओ जिन्ने परचे दर्ज करते हैं, लोग है लोग लहर के सामने, इन्हों नूं पिछे हटना पएगा और इन्हों दे परचे रद्द करने पैणगे, ये बंदे रिहा करने पैणगे। समय समय सरकारां दी गल करिए, कांग्रेस सरकार ने नशिआं दा मुद्दा चुकिआ सी ते आम आदमी पार्टी भी नशिआं दा मुद्दा चुक के सत्ता दे विच आई आ, पर नशे जिहड़े नाकाम ने इस समय, नशे जिहड़े पंजाब दे विच सरेआम विक रहे ने। मैं पहले ही ये गल कह चुकिआ कि ये सरदार भगवंत सिंह मान दीआं बहुत सारीआं वीडियोज़ पईआं ने जिहदे च सरेआम कह रहे ने कि नशा जिहड़ी अकाली दल वाले या कांग्रेस वाले जिहड़ा दूसरिआं ते दोष लाउंदे आ कि पाकिस्तान तो आ रहा जी, कोई पाकिस्तान तो नहीं आ रहा, भी ये नशा सारे का सारा पंजाब च ही फैक्ट्रिया ना बन रहा है। मैं बेनती करदा भी जे भगवंत मान नूं पता है कि इत्थे ही फैक्ट्रिया दे विच नशा बन रहा है, तो इस नशे नूं अज तक 1.5 साल हो गया सरकार बनी नूं, अज तक इहदे ते लगाम क्यों नहीं पाई गई, नथ क्यों नहीं पाई गई इहनूं, और ये सगों मतलब दिनों दिन वध रहा है। अगे साडे जिहड़े 30-35 साल के मुंडे नशा करते सी, अज तो साढ़े 12-12 साल के 14-14 साल के जवाक नशा कर लग गए, अज साडियां बीबियां कर लग गईआं। ये किधर नूं लिजाणा चाहुंदियां सरकारां, साडी सोसाइटी नूं, साडे देश नूं, साडे पंजाब नूं किहड़े खूह सिटणा चाहुंदी है सरकार। सरकार नूं नशे दे खिलाफ एक तकड़ी मुहिम आप छेड़नी चाहीदी है, और उहदी बजाए जिहड़े लड़न वाले आ उहनां लोकां नूं वी लड़न नहीं दित्ता जा रिहा। गल करिए जेकर पंजाब सरकार पंजाब पुलिस उन्होंने नौजवानों रिहा नहीं करती जो नशा विरोधी टीम के मैंबर ने, तो जथेबंदी वालों अगला एक्शन की होगा? देखो जथेबंदी अज जिहड़ा असी आए हाँ, असी इस गल नूं लैके आए हाँ कि नशियां दे खिलाफ कोई मुहिम है, नशियां दे खिलाफ कोई लड़ाई है, जिथे भी कितें जिहड़ा भी व्यक्ति नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा साडी जथेबंदी हिक डाह के उन्हां दे नाल खड़ांगे, हर मैदान दे विच उन्हां दे नाल मूहरे होकर लड़ांगे। असी उन्हां दा साथ दे रहे हैं, दिंदे रहांगे, जिन्नी देर तक जिहड़ी इत्थे कमेटी बनी है, कमेटी किहो जिहे फैसले लैंदी है, जिहो जिहा फैसला कमेटी लैगी असी उहदे नाल मतलब उस तरह की सपोर्ट देवांगे उन्हां नूं। इस समय जथेबंदी दे सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल जिन्हां वल्लों पिछले दिनी मानसा पुलिस वल्लों गिरफ़्तार किए गए परमिंदर झोटे की रिहाई नूं लैके जथेबंदी दे वल्लों जिहड़ा मानसा दे SSP दफ्तर वल जिहड़ा रोस प्रदर्शन किया गया, स्थानक जथेबंदी के नुमाइंदियां दी मंग आ मानसा पुलिस वालों गिरफ़्तार किए गए जो पिछले दिनी परमिंदर झोटा समेत जिहड़े आ नौजवान नशा विरोधी टीम के मैंबर सी, नशियां नूं वंडण वालियां दे खिलाफ कार्रवाई कर रहे, उन्हां नूं रिहा करन दी मंग की जा रही आ। जथेबंदी दे आगुआं दा कहना जेकर पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस उन्हां नौजवानां ते पाए हुए परचे जिहड़े ओह रद्द नहीं करदी तां आउण वाले समें दे विच अपना संघर्ष आ जिहड़ा ओह नौजवानां दे हक दे विच होर वी तेज़ करनगे। द खालस टीवी जीवन सिंह क्रांति मानसा।